एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स ऑफ बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज हम बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम के रिमेनिंग पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो दिस इज द पार्ट टू, और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एमपी सेट और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी करे हैं। ये सारे के सारे कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करके हमें एक आइडिया लग जाता है कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, जहां से हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है और बेहतर तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को कर पाते हैं। तो अभी जो है 48 टोटल क्वेश्चंस हमारे पास थे, जिसमें से 14 क्वेश्चंस एमपी सेट में पूछे गए थे और 34 क्वेश्चंस आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए थे। तो काफी ज्यादा वेटेज है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक इस सेशन में जो पहला पार्ट हुआ है उसके अंदर 25 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसका मतलब इस सेशन में हमें अराउंड 23 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जल्द से जल्द अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन। जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऐप से नहीं जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे ऐप पर आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी जो टैक्सेशन असिस्टेंट है, या एमपी सेट में कॉमर्स इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, और एमपी सेट में जो एग्जामिनेशन होते हैं, ये सारे कोर्सेज की तैयारी हमारे ऐप पर आपको कराई जाती है। ऐप का नाम है अफेयर्स विद बिजनेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अपने फेवरेट कोर्स को आप परचेज कर लीजिए। यहाँ से आपको बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको क्वालिफाइड एजुकेटर्स देते हैं, जो सीए क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है। और ये सारी की सारी चीजों के साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, क्विजेस भी मिलते हैं। जो नोट्स आपको दिए जाएंगे वो प्रिंटेबल फॉर्मेट पे होंगे, आप उन्हें प्रिंट कर सकते हैं, और वो बायलिंगुअल भी होंगे, मतलब हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उससे आप फटाफट से कोर्स को चेकआउट कीजिए, आपको फायदा होगा। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि पार्ट वन में हम 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, है ना, लेकिन अब जो हमारा पार्ट टू है इसमें हमें 23 क्वेश्चंस को टारगेट करना है। और जब आप टोटल करेंगे तो 48 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके होंगे। 48 क्वेश्चंस सॉल्व करने का मतलब है कि अराउंड आपने 70 to 80, मैं कहूँ या 80 to 90 आपने जो है अपने सिलेबस का पोर्शन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपने इतने कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ रिवाइज कर लिया है। जब हम एक एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं तो उसके साथ जो बाकी ऑप्शंस होते हैं हम उन्हें भी पढ़ते हैं, उन्हें भी समझते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ रिवाइज होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ यहाँ पर कि प्लीज आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको रिवाइज जरूर कीजिए, और ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए फायदेमंद है, आपका एक रिविजन की तरह काम ये करेंगे, आपको बहुत फायदा देंगे, ठीक है। और इससे पहले अभी तक हम इकोनॉमिक्स का रिविजन कर चुके, मतलब पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके हैं इकोनॉमिक्स के, एमपी सेट और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के। साथ ही साथ अभी तक हम इनकम टैक्स का एक सेशन ले चुके हैं और उससे कम क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो एक ही सेशन में हमारा वीडियो कम्प्लीट हो गया था, ओके। अभी ये वाले लेक्चर के बाद आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हमारा बचेगा फाइनेंस, और भी यूनिट्स है, बैंकिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, आपकी फाइनेंस है, अकाउंटिंग है ना। तो ये सारे के सारे लेक्चर्स भी धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट्स को याद करने के साथ साथ, ओके। चलो, तो ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके थे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड हो गया था इस साल इस सीरीज में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, यहां तक कर लिया था शायद हमने, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट तक कर लिया था। यहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 12 से। सो
सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछ रहा है कि जॉब एनरिचमेंट का क्या मतलब है, यानी कि नौकरी संवर्धन का क्या मतलब है। देखो जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है जब आप जो काम कर रहे हैं ना, देखो एनरिच का मतलब क्या होता है, उसको बढ़ाना, ठीक है। तो आपके पास सपोज अभी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके जॉब के अकॉर्डिंग आपको 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 5 टास्क आप लोगों को दिए गए। अब क्या हुआ, जैसे आपकी पोजीशन बढ़ी तो आपके पास 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आ गई। तो जब आप जॉब को बढ़ाया जाता है, यानी कि उसके जो टास्क है उसे बढ़ाया जाता है, तो बच्चों उसे कहते हैं हम जॉब एनरिचमेंट, ठीक है। सो ऑप्शन दे रखा है जैसे मूविंग टू अनदर जॉब विद सेम स्किल, एक जॉब से दूसरी जॉब मूव करना क्या जॉब एनरिचमेंट होता है? नहीं। प्रमोशन लेना जॉब एनरिचमेंट होता है? नो। ट्रांसफर लेना? नो। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है जब अपनी टास्क और ड्यूटीज को ऐड करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में। सो मौजूदा कार्य में कार्य और कर्तव्यों को जोड़ना कहलाता है आपका जॉब एनरिचमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, डैश मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल यूजेस इंसिडेंट्स पर्टेनिंग टू द जॉब। जॉब के अंदर आपके पास जो इंसिडेंट्स हुए हैं उन इंसिडेंट्स के आधार पर आपको परफॉर्मेंस का अप्रेजल देना, मतलब प्रदर्शन मूल्यांकन की डैश विधि नौकरी से संबंधित घटनाओं का उपयोग करती है। कौन सा जो इनमें से मेथड है उसमें ये चीज की जाती है, तो दैट इज योर क्रिटिकल इंसिडेंट। क्वेश्चन आए में तो क्वेश्चन बना के आप लोगों से आंसर्स लिए जाते हैं, ऐसे में आपको किसी पर्सन के बारे में बोल दिया और उसके बारे में आपको बातें लिखनी है, दैट इज ऐसे। ग्रेडिंग में क्या होता है, आप किसी पर्सन को उसके ट्रेड्स या फिर क्वालिटीज के बेस पे ग्रेड करते हैं, ठीक है, रेटिंग्स देते हैं। तो यहाँ पर जब इंसिडेंट की बात की जाती है कि कौन से इंसिडेंट के बेस पर आप पर्टिकुलर जॉब के इंसिडेंट के बेस पर उसे इवेल्युएट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल दे रहे हैं, तो उसे कहा जाता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। तो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, फॉर्मल एंड डिटेल एनालिसिस ऑफ जॉब। नौकरी के औपचारिक और विस्तृत विश्लेषण को डैश कहा जाता है। जब आप अपनी जॉब के बारे में डिटेल्ड में पढ़ते हैं कि आपके जॉब रोल्स क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है, तो इस चीज को डिटेल में पढ़ने को क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है कि आप अपनी जॉब का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज योर जॉब एनालिसिस। परफॉर्मेंस अप्रेजल का तो मतलब होता है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसकी बेस पे आपको रेज दिया गया। जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पोजिशन से रोटेट करके आपको दूसरे पोजिशन में डाला, देन आपको फिर से उसी पोजिशन में डाल दिया। पॉइंट मेथड का मतलब होता है वही जहां पर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे पॉइंट्स देकर, रेटिंग्स देकर एक पर्सन को रेट करते हैं। तो फॉर्मल और डिटेल एनालिसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चों दैट इज जॉब एनालिसिस, ठीक है। एक टर्म आता है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है जब आप देखते हैं कि आपकी जॉब की वर्थ कितनी है, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसकी वर्थ कितनी है, क्या वैल्यू है मार्केट में, ठीक है, दैट इज योर जॉब इवैल्यूएशन। तो एक टर्म आपने और सीख लिया यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफ फंक्शन आर दोज विच। स्टाफ फंक्शन क्या होता है? स्टाफ फंक्शन में वे है, स्टाफ फंक्शन वह है जो संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिम्मेदारी नहीं है। मतलब स्टाफ फंक्शन का मतलब ये नहीं है जिसकी जिसमें आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टाफ फंक्शन में आप क्या करते हैं, आप लोगों को रिक्रूट करते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 10 एम्प्लॉइज है और आपको 15 की जरूरत है तो आप 5 लोगों को रिक्रूट करेंगे, दैट इज योर स्टाफ फंक्शन। तो ये सेकेंडरी कैरेक्टर का होता है, यस। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, एडवाइजरी कैरेक्टर का होता है, यस। तो ऑल आर योर करेक्ट ऑप्शंस, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, हेनरी पियोल हैज प्रोपाउंडेड डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी पियोल, फादर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। हेनरी पियोल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? तो बच्चों उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को दिया था। क्या थे प्रिंसिपल्स, आइए पढ़ते हैं उनके बारे में। डिविजन ऑफ वर्क, डिविजन ऑफ लेबर, बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर
प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड एस्पिरेट डी कॉप्स। तो 14 प्रिंसिपल्स है यहाँ पर फेयॉल के, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको पता है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करूंगी, बिकॉज इन सभी चीजों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉप मैनेजमेंट बुक पब्लिश्ड इन द ईयर 1903 हैज बीन रिटन बाय। शॉप मैनेजमेंट जो है ये दिया था बच्चों आपके एफ डब्ल्यू टेलर ने, ये बुक किसने बनाई थी, एफ डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेलर विच आर द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। टेलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक संगठन से संबंधित है। देखो जब हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पर दो चीजें देखते हैं, एक होता है आपका प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्लानिंग इंचार्ज, और एक होता है आपका प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में क्या होता है, प्लानिंग इंचार्ज में होता है एक इंस्ट्रक्शनल कार्ड क्लर्क, एक होता है रूट क्लर्क, एक होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एक होता है डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन इंचार्ज में होता है आपका स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। इसमें से कौन सा रिलेटेड है टेलर के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से, क्या गैंग बॉस, रिपेयर बॉस दोनों आता है, जनरल मैनेजर नहीं, यहाँ पर भी जनरल मैनेजर नहीं आएगा। देन रिपेयर बॉस, फोरमैन, ठीक है, रूटीन क्लर्क, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर, ये तीनों के तीनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप पढ़िए एक मिनट, आई वुड लाइक टू हैव सम वाटर। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पढ़ते हैं मोटिवेशन में, जो कि हर्ज़बर्ग द्वारा दी गई थी, और एक सेकेंड सॉरी मैकग्रेगर द्वारा दी गई थी, हर्ज़बर्ग नहीं, मैकग्रेगर दी थी, हर्ज़बर्ग ने तो फैक्टर थ्योरी दी थी, ठीक है, विलियम आउची जिसने जेड थ्योरी दी थी, फिर मैस्लो की हायरार्की नीड्स थ्योरी थी। तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई मैकग्रेगर ने दी थी, और इसके बारे में पढ़ते हैं। थ्योरी एक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो थ्योरी एक्स में वो लोग होते हैं जो अपने काम को पसंद नहीं करते, ठीक है, इट बिहेव्स लाइक योर एक्स, है ना, ये आपके एक्स की तरह बिहेव करती है। कैसे भाई, काम करना पसंद नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी, मजे से लाइफ जीनी है, ठीक है। इम्फेसिस ऑन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दोनों कंसेप्ट को यूज करते हैं। वी वर्सेस दे का यहाँ पर एक रिलेशनशिप होता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में। थ्योरी वाई होते हैं ये अच्छे लोग होते हैं, ये काम को एंजॉय करते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, बिना सुपरविजन के काम करते हैं, इसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है। यहाँ पर आप अच्छे रिलेशंस बनाते हैं और एक दूसरे का कोलैब करते हैं, मतलब कोलैबोरेटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की कोशिश करते हैं, कि अगर मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो मैं इस पर्सन से बेनिफिट ले लूं, और फिर हम मिलकर क्या करें, काम करें। जैसे यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स कोलैब करते हैं ना, वैसे इसके सब्सक्राइबर्स मुझे भी मिल जाए, मेरे सब्सक्राइबर्स इसे ही मिल जाए। दैट इज योर मैकग्रेगर थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। नेक्स्ट, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी किसने दी थी, अब्राहम मास्लो ने, ठीक है। क्या थी ये थ्योरी, सबसे पहले कहा जाता है कि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करो, ठीक है, क्या होती है आपकी बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करो, फिर उसके बाद आती है नीड्स। जब बेसिक नीड फुलफिल हो जाए तो अपनी जॉब सिक्योरिटी को फुलफिल करो, कि भाई मुझे जॉब के लिए सिक्योरिटी मिले, है ना, ऐसा ना हो कल के दिनों मुझे जॉब से निकाल दिया। फिर आती है आपकी बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड, ठीक है, इसमें आते हैं आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, लोगों के साथ आपके कनेक्शंस, आपकी फ्रेंडशिप। फिर आती है आपकी एस्टीम नीड्स, जो आप खुद की अकम्प्लिशमेंट पे देखते हैं, ठीक है, कि आपने कोई चीज पा ली है या फिर आपने कोई टारगेट बनाया था उसे अचीव कर लिया है, तो उसको आपने फुलफिल कर लिया, देन कम्स टू योर एस्टीम नीड्स। और लास्ट में आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पर आपको फाइनल पॉइंट पे ये रियलाइज होता है कि भाई जो टारगेट हमने सेट किया था वो हम अचीव कर चुके हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको होता है। तो ये 5 नीड्स होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, और आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, देन आपकी एस्टीम नीड्स, और आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। किसने दी थी ये पिरामिड, किसने दिया था ये हायरार्की, किसने दी थी ये, आपको दी थी अब्राहम मास्लो ने, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये थिक हो गया थोड़ा सा,
ये नहीं चलेगा ना, ग्रीन नहीं दिख रहा है ना इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेशन प्लानिंग इज मोर रेलेवेंट टू। सक्सेशन प्लानिंग हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में करते हैं। उत्तराधिकार योजना किसके लिए अधिक प्रासंगिक है, शीर्ष स्तर का प्रबंधन, मध्य स्तर का प्रबंधन या फिर निचले स्तर का प्रबंधन। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ये पढ़ते हैं। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब है एक सिस्टमेटिक तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेप एक एक स्टेप पूरा करके, जिसमें आपकी लीडरशिप आती है, ठीक है। आप नॉलेज डेवलप करते हैं, अपना इंटेलेक्चुअल कैपिटल डेवलप करते हैं फॉर दी फ्यूचर, और हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फोकस करे। सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो फ्यूचर के लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे आप अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड है कर रहे हैं प्लानिंग, या फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, या लीडरशिप क्वालिटी को देखकर प्लानिंग कर रहे हैं, नॉलेज को इनहेंस करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब सक्सेसिव प्लानिंग का हिस्सा होता है। सक्सेसिव प्लानिंग में आपका फ्यूचर को लेकर आप क्या प्लान कर रहे हैं जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा ग्रो करे, दैट इज योर सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। देन ये क्वेश्चन है, इसका आंसर तो ये कब कौन करेगा भाई, टॉप लेवल की अथॉरिटीज करेंगी, जो भी आपके सीईओज होंगे, जो भी आपके टॉप मैनेजर्स होंगे, जो आपके शेयर होल्डर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो लोग इस डिसीजन को लेंगे। तो यहाँ पर टॉप लेवल का पर्सन आपका सक्सेशन प्लानिंग करता है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से क्या प्रॉक्सिमिक संचार का एक रूप है। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है जब आप क्या कहते हैं उसको, बॉडी मूवमेंट का हेल्प लेकर कम्युनिकेट करते हैं विदाउट वर्ड्स, है ना। दो चीजें आती है ना इसके अंदर, जे नाम याद नहीं आ रहा, जब आप वर्ड्स का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, और एक आप बॉडी लैंग्वेज का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें आता है जैसे कि आपका हैप्टिक्स, जब आप टच की बात करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स की बात करते हैं, काइनेसिस कहते हैं इसे, वोकैलिक्स जहाँ पे आप अपनी वॉइस का मॉड्यूलेशन करते हैं, क्रोनोमिक्स जहाँ पे टाइम की बात करते हैं। तो दिस इज योर प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन। तो कौन सा इसमें से प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन है, प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन रिलेटेड टू योर बॉडीली कॉन्टैक्ट, ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो इसमें आई कॉन्टैक्ट, अपेरेंस, सराउंडिंग ये नहीं आता, इसमें आता है बॉडीली कॉन्टैक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्राइमरी फोकस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिवॉल्व्स अराउंड। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व करता है, क्या प्राइमरी फोकस होता है। तो भाई इसमें हमारा कंट्रोलिंग प्राइमरी फोकस होता है कि हम किन चीजों पे फोकस करना चाहते हैं। अगर मेरे पास 10 टास्क है, उसमें से दो ऐसे टास्क है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या मैं उस पर ध्यान दूंगी, नहीं। फिर मैंने उसमें से देखा कि जो मेरे पास 4 टास्क है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो उसके अलावा 4 टास्क है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेजरली फोकस किस पे करोगे, वो जो सबसे शुरू के 4 है ना। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है कि मैनेजमेंट में ये डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन से टास्क पे फोकस करना है, कौन से टास्क को आप इग्नोर कर सकते हैं, विच इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपकी कंट्रोलिंग से जुड़ा हुआ है, तो इट इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर डी। देखो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज एन एम्प्लॉई एम्पावरमेंट, एंड मैनेजमेंट स्टाइल, पॉलिसी और फिलॉसफी वेयर इन मैनेजर्स इंटरवेन ओनली व्हेन देयर एम्प्लॉईज फेल टू मीट देयर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में एक ये चीज भी होती है कि मैनेजर सिर्फ तभी इंटरवीन करते हैं जब उनके एम्प्लॉयज कुछ गलत काम करते हैं। इसका आइडिया पीछे का ये होता है कि हम उन एरियाज पे फोकस कर सके जिसमें हमारा एक्शन की ज्यादा जरूरत है ना। अगर कुछ काम ऐसे है जिन्हें मैं डेलीगेट कर सकती हूँ, तो हमें उसे कम्प्लीटली डेलीगेट कर देना चाहिए, ना कि उस काम को अपने लिए होल्ड करके रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिजेंसी अप्रोच। कंटिजेंसी अप्रोच होती है कंडीशंस के बेस पर अप्रोच, ये दी थी आपकी फिडलर ने, ठीक है। लीडरशिप की अप्रोचेस हैं, प्लीज आप लीडरशिप की अप्रोचेस पढ़ लेना, बहुत सारी अप्रोचेस इसके अंदर आती हैं, इनको जरूर स्टडी कर लीजिएगा। फिर आता है आपका इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस में
जॉब डिस्क्रिप्शन आपका प्रोडक्ट है। जब जॉब एनालिसिस की बात करें जिसमें सारी चीजें आ गई, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं कि उसमें क्या टास्क है, कब से कब तक काम करना होगा, क्या काम करना होगा, तो ये आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है। जॉब इवेल्युएशन, जैसे मैंने कहा, वर्थ बताना, जॉब एनरिचमेंट टास्क को बढ़ाना, जॉब स्पेसिफिकेशन, आपको पर्टिकुलर टास्क देना कि आपको यही काम को और बेहतर तरीके से करना है ना। तो ये टर्म्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम में काफी ऐसी टर्मिनोलॉजीज आती हैं जो कि बच्चों को घुमा देती है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लें और सीख लें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो जॉब एनालिसिस का प्रोडक्ट होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इनमें से कौन सा मॉडर्न मेथड नहीं है, नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। देखो ये हम पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड, 360 डिग्री अप्रेजल मेथड, बिहेवियरली एंकर्ड रैंक स्केल, ये सब आपके मॉडर्न टेक्निक्स है। क्लासिफिकेशन मेथड आपका मॉडर्न टेक्निक नहीं है, ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, और ये चीज हम पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैंने आपको वहां पर था वो इमेज, अच्छा वो एमपी सेट वाले में थी, ठीक है। हाँ मतलब कर चुके हैं ये मेथड्स के बारे में, मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, है ना। तो निम्नलिखित में से किस प्रदर्शन मूल्यांकन की आधुनिक विधि नहीं माना जाता, दैट इज वर्गीकरण विधि, ठीक है। व्यवहारिक रूप से एंकर रैंक स्केल इसमें आता है, 360 डिग्री प्रदर्शन मूल्यांकन आता है, और मानव संसाधन लेखा पद्धति, ये भी आपका जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट है। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, ये जो टू फैक्टर थ्योरी है किसने दी थी, हर्ज़बर्ग ने दी थी, है ना। मैस्लो ने हायरार्की नीड्स थ्योरी दी थी, विलियम माउची ने जेड थ्योरी दी थी, और मैकग्रेगर ने थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई दी थी। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। रियली सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा कोल्ड होने की वजह से शायद वॉइस में भी दिक्कत हो रही होगी आपको, और ये वाली साउंड भी आ रही होगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हाट हर्ज़बर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी इज द मोटिवेटिंग फैक्टर। इनमें से कौन सा हर्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी में मोटिवेटिंग फैक्टर है। देखो जब हर्ज़बर्ग की थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे पुअर हाइजीन फैक्टर्स आते हैं जो कि आपके जॉब सेटिस्फेक्शन को कम करते हैं, लेकिन मोटिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं जो कि आपके जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते हैं। तो अगर मैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स की बात करूं, जो मोटिवेट करते हैं हमें, दैट इज अचीवमेंट, हमें कोई टास्क दिया गया, हमने उसे अचीव किया, तो वो हमारी बताता है मोटिवेटिंग फैक्टर्स। रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, जॉब एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये है आपकी मोटिवेटिंग फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स में क्या आता है, रिलेशनशिप विद पीयर्स, आपके साथ के जो इम्प्लॉयज हैं, आपके साथ के कलीग्स हैं, उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, कंपनी के साथ आपकी कैसी पॉलिसीज बनी है, आपका फिजिकल वर्क स्पेस कैसा है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, सैलरी, स्टेटस, सिक्योरिटी, सुपरविजन, ये फैक्टर्स हैं जो आपके हाइजीन फैक्टर्स हैं। इन्हीं दोनों फैक्टर्स के ऊपर बात की थी किसने, हर्ज़बर्ग मोटिवेशन में, है ना। तो यहाँ पर मोटिवेटिंग फैक्टर कौन सा है आपका, वर्क इटसेल्फ, ठीक है, आपका खुद का काम आप कैसे कर रहे हैं, तो वर्क इटसेल्फ, दिस इज योर मोटिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी, कंपनी पॉलिसी, इंटरपर्सनल रिलेशन, ये तीनों के तीनों जो है आपके, ये आपके दूसरा कौन सा था, एक तो हाइजीन फैक्टर, मोटिवेटिंग फैक्टर, ये आपके हाइजीन फैक्टर्स है, और वर्क इटसेल्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है, ठीक है। हर्ज़बर्ग के प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरक कारक है, नौकरी की सुरक्षा, कंपनी नीति, खुद काम करने, या फिर पारस्परिक संबंध। तो खुद काम करने का जो तरीका है, दैट इज योर मोटिवेटिंग फैक्टर फ्रॉम हर्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फेयर वेज इज हायर देन लिविंग वेज। जो आपको समांतर तौर पर जो आपको मजदूरी मतलब दिहाड़ी दी जा रही है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिविंग वेज, बिल्कुल करेक्ट। लिविंग वेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू हायर वेज, नो।
पेयर वेजेस, लिविंग वेजेस और मिनिमम वेजेस, क्या ये सब सेम है? नहीं। लिविंग वेजेस क्या है? जो आपको जीने के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए। मिनिमम वेजेस कम से कम आपको जो मजदूरी दी जाती है, और फेयर वेजेस जो बिल्कुल आपने जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे दिए जा रहे हैं, दैट इज योर फेयर वेजेस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है कि फेयर वेज इज हायर देन लिविंग वेज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उचित मजदूरी जीवित मजदूरी से अधिक है, जीवित मजदूरी उचित मजदूरी से अधिक है, उचित मजदूरी जीवित मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी समान है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, द फ्रेज पेमेंट बाय रिजल्ट्स इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू। देखो ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट कर दिया गया था बाय एमपीपीएससी, इसमें कुछ फॉल्ट था। वैसे कहा गया कि पेमेंट बाय रिजल्ट, कि आप जो काम करेंगे हम उसके आधार पर आपको पेमेंट देंगे, ठीक है? अगर आपने काम अच्छा किया तो हम आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट देंगे। तो इसको कहा जाता है, जो आपके ऑप्शन में दिया भी गया था, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, बट क्योंकि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, पर मैं इसका आंसर आपको बता रही हूँ, ये आंसर भी एमपीपीएससी द्वारा दिया गया था, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं उतनी ही आपको वेजेस दिए जाएंगे। अगर आपने, आपको बोला गया था कि आपने 200 यूनिट्स बनानी है और आपने 200 यूनिट्स बना दी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी जाएगी। अगर आपने उससे ज्यादा पेमेंट कर दी तो भी आपको उतना ही मिलेगा, है ना? इसमें हम काफी अलग अलग जो ऑथर्स हैं उन्होंने जो अपने प्लान दिए गए हैं, है ना, रोवन प्लान दिया है, हैसले प्लान दिया है, तो ये सारी चीजें वेजेस के अकॉर्डिंग बनाती है। टाइम पीस रेट सिस्टम है, ठीक है, पीस वेज सिस्टम, तो ये वेजेस के सिस्टम बनाए गए हैं। एक बार इनको पढ़ लेना, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। ओके, सो टाइम रेट वेजेस, इंसेंटिव्स, प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस, तो आंसर इसका दिया गया था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट डैश सिलेक्शन, भर्ती डैश चयन, मतलब रिक्रूटमेंट पहले होता है या फिर सिलेक्शन पहले होता है? देखो पहले आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं किसी चीज को, देन आप क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। तो रिक्रूट सक्सीड सिलेक्शन, मतलब रिक्रूट क्या आता है, सिलेक्शन के बाद आता है, है ना? तो यहां पर क्या है, रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है, आपके पास 5 इंटरव्यू लिया, उसमें आपको 2 लोग ठीक लगे तो आपने इन्हें सेलेक्ट कर लिया, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद अब पोजीशन तो एक ही पर्सन की है, तो आपने इन्हें कुछ टास्क दिया, उस टास्क में सपोज कीजिए पर्सन बी ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपने बी को क्या कर, जॉब दे दी, है ना? तो ये क्या आता है आपका, ये आता है रिक्रूटमेंट सक्सीड सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन के बाद हम किसी पर्सन को रिक्रूट करते हैं। नेक्स्ट है रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट होता है मतलब छटनी, मतलब जो आपकी इंप्लॉयमेंट है, ठीक है, उनको कंप्लीटली उनकी पोजीशन से हटा देना, दैट इज रिट्रेंचमेंट। अ डिनायल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर एवर, फॉर एवर के लिए आपने क्या कर दिया, बेरोजगार से इनकार कर दिया कि अब हम आपको काम नहीं देंगे, उसे कहा जाता है रिट्रेंचमेंट। तो ये शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता, दिस इज फॉर एवर, थोड़े समय के लिए रोजगार से इनकार, लंबे समय के लिए रोजगार से इनकार, हमेशा के लिए रोजगार से इनकार, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज ऑलवेज, प्लानिंग जो है क्या, प्लानिंग योजना एक गतिविधि है जो हमेशा होती है, शीर्ष प्रबंधन तक सीमित, क्या सिर्फ टॉप लेवल के पर्सन जो होते हैं वही प्लानिंग करते हैं? नो, नॉट मैंडेटरी। परवेसिव टू ऑल लेवल्स, क्या यूनिवर्सल है, मतलब सभी स्तरों पर व्यापक है, जो हर एक लेवल का पर्सन है क्या इसे फॉलो करेगा? बिल्कुल, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो वो भी फॉलो करेगा, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो वो भी फॉलो करेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा हो कि वो सरकारी है तो भी वहां प्लानिंग होगी, गैर सरकारी है तो भी प्लानिंग होगी, कोऑपरेटिव हो, नॉन कोऑपरेटिव हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन हो, अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका प्लानिंग जो है वो हर एक लेवल पर परवेसिव होता है, यानी कि यूनिवर्सल होता है, हर एक लेवल पर फॉलो किया जाता है। तो यही हमसे पूछ रहा है, कैरिड ऑन ओनली बाय प्रमोटर्स एंड अपॉइंटेड एडवाइजर, केवल प्रमोटरों और जो हमारे पास नियुक्त सलाहकार है क्या वही इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं? नो। क्या जो मैनेजमेंट है और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव है जॉइंटली से परफॉर्म कर सकते हैं? नो, ये यूनिवर्सल है, ये हर एक लेवल पर करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन भी और एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसको फॉलो करते हैं, ठीक है? एंड द लास्ट
Today's session is 34. The principle that an employee should be made accountable to only one supervisor या फिर officer relates to. ऐसा principle जो कहता है कि एक employee जो है सिर्फ एक boss के लिए ही, एक supervisor, एक officer के लिए ही जवाबदेही होता है, accountable होता है. तो ये होता है आपका unity of command. ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि ऑर्डर्स एक से ही मिलने चाहिए, यूनिटी ऑफ अप्रोच नहीं हम पढ़ते. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण, जहां पे सारी पावर्स आपकी वन हैंड होती है. तो इसका आंसर करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसी ये लेक्चर कंप्लीट होता है. यहाँ पर हमने जो है पार्ट टू कंप्लीट किया है फ्रॉम बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM. ठीक है, पार्ट वन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसे भी देखिएगा. इकोनॉमिक्स के दो लेक्चर्स हैं, इनकम टैक्स का एक लेक्चर है, उसके PYQs भी देखिएगा. और फिर से याद दिला दूंगी आपको, बहुत सारे कोर्सेज हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं. अपनी एग्जाम स्ट्रेटजी, एग्जाम प्रिपरेशन को जो टारगेट आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोर्स को परचेज कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इस सेशन को लाइक कीजिएगा एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा है. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप रिवाइजिंग. बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.